विदेश भेजने के नाम पर 12.5 लाख की ठगी करने वाले नामी आरोपियों को एसओजी की टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी मां बेटे पर 10,000 का इनाम रखा गया था। दोनों आरोपी वर्ष 2019 से फरार चल रहे थे। वर्ष 2019 से फरार चल रहे 10,000 के दो इनामी कबूतरबाजों को एसओजी और दिनेशपुर थाना पुलिस की टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में थाना दिनेशपुर में विदेश भेजने के नाम पर एक युवक से फर्जीवाड़े कर 12.5 लाख रुपए ठग लिए गए थे। इसके बाद पीड़ित ने दिनेशपुर थाना पुलिस को तहरीर दी थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि माँ और बेटा हरगुण सिंह और रिंकल कुलविंदर कौर फरार चल रहे थे। इसके बाद दोनों के ऊपर 10,000 का इनाम रखा गया था। 15 सितंबर को एसओजी और दिनेशपुर पुलिस ने मां बेटे को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार किया है। आज आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कबूतरबाजी का एक आरोप था जहां पे गरीबों को फॉरेन भेजने के नाम पे 12.5 लाख रुपए हड़प दिए थे। इस मुकदमे में कुल मिला के 2 लोग वांछित चल रहे थे 3 साल से। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई, पकड़ में नहीं आ रहे थे, इनामी की कार्रवाई की गई और 3 साल से इनामी अपराधी थे, अभियुक्त थे ये। तो आज इनके विरुद्ध इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम द्वारा लगातार सुराग राशि पता राशि में एक आज बहुत सफल एक हमें उपलब्धि मिला है, जिसमें ये दोनों 3 साल से जो फरार चल रहे थे इनामी 10,000 के इनामी लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया पंजाब से। उस पर दोनों का नाम है हरगुण और कुलविंदर कौर।